अच्छा मोटे मोटे पेट में मतलब हाँ हाय कुणाल सोनाली देव नीति एंड ग्यारह आना चुका हूँ हाय बना बॉय हाय निकेत पूजा खुशी जूलिया हाय जूलिया आओ जस्ट डू इट सॉरी लग गया नहीं नहीं गुड स्टाफ रजत हाय रजत माय फेवरेट टॉपिक थैंक यू मैं नाम पढ़ता हूँ तुम वो पढ़ कमेंट्स पढ़ ठीक है पूजा Hi, please, Arshia, come back to Splitsvilla as a wildcard entry. Please. Hi, Swapnil. I wish. Hi, Swapnil. Sahana JM. Piyush, I'm glad fan. Great fan. Great sorry. Fan. Great Sahana. Fan. Sorry. Great fan. Katyal, Ishita. Hi, you guys, Ishita. You guys look cute together. Thank you so much. Hi, Ria. Hi, Bedahi, right? Queen. Alize Khan, Alize. Megha. Alize, kahan hai tu? Piyush, you are such a genuine guy. Thank you, Chari. Thank you, Chari. Akruti. Band kar do. You're super cute. Thank you. Big fan of yours, sir, Thank ma'am. Thank you. Thank you, Mahir, Rohit, Ayu Joshi. Joshi, Arshia, you know, you are almost as wonderful as pizza. Cheese burst pizza. Not pizza, cheese burst. Thank you. Thank and, you. And thick crust, not thin crust. Thank you. Main thin crust. We miss you. We miss you, Arshia, dear. Thank you so much. And... I don't know, Carrie Flag. I really All don't know. I'm sorry. I love you. अच्छा ठीक है. So हम दोनों का लाइव आने का ये था रीजन कि बहुत सारे DM आए थे कि Arshia क्यों चली गई. Arshia तुम क्यों गई? मुझे पीयूष ने बहुत तंग कर दिया था और मैं चली गई बाहर. ये मुझसे तंग आ चुकी थी इसको. मैंने इसको बोला मैं गेम में नहीं रह सकती. मैं बाहर जा रही हूँ. एक महीने बाद मिलेंगे आफ्टर गेम. छह महीने बाद. हाँ, छह महीने बाद. You both are cute. Thank you, Vibha. Cherish, you read my comment. Yes, I did. Hansika. Haters, to maro laat. You both look damn perfect together. Thank you. Thank you. Your name kya hai? Rao Ufdil. I'm sorry if I'm not doing your name wrong. आदिल तो है पक्की बात. रॉफ आदिल. रॉफ आदिल सही. अच्छा तो यार कुछ इनको भी डीएम आए थे. मुझे भी आए थे. लाइक दो दिन का प्यार है. तो ये वो है. पहली बात तो ये कि लाइक स्पिरिचुअला में लोग क्यों आते हैं. चैनल बेचने. एग्जैक्टली. तो यार ये क्या बकवास लगा रही कुछ लोगों ने कि दो दिन का प्यार कैसे हो सकता है. अगर हो गया हमें तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तो आप अपने लाइफ में रहो ना मस्त यार. तुम्हें क्या दिक्कत है? चाहे दो दिन का हो, चाहे दो मिनट का हो, या दो सेकंड का हो, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? एटलीस्ट जितना है हम एंजॉय तो कर रहे हैं साथ में. खुश तो हैं हम साथ में तो हैं. ठीक है. अब तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है हमको साथ में देख के तो फिर यार तुम क्या ही बोलूं मैं. दो दिन का प्यार कैसे हो सकता है यार. फेक कपल. चल भाई हम फेक कपल है. खुश हम फेक कपल है. आपके पास में कोई है कपल? या आप सिंगल हो या वेले हो? एटलीस्ट फेक कपल सही. कपल तो है. तुम सिंगल हो? वेले हो? क्या हो तुम? ओ तुम तो फैन हो किसी के. एनीवेज पीयूष को जब गुस्सा आता है वो ऐसे ही रिएक्ट करता है यार. मुझे पता है. सी मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं जो बोलना है बोलूं. मुझे तुम लोग बहुत गंद लिखते हो वैसे भी. द पॉइंट इज इसके बारे में मैं नहीं सुनूंगा. बहुत सिंपल सी बात है. मैं नहीं सुनूंगा. पहले बोल रहा हूँ तुमको. मैं बोल रहा हूँ उससे बात कर लो मैंने से. ठीक है. मैंने ऐसे वो एक हायर कराया बंदा कि लाइक जो भी वो आते हैं नेगेटिव लाइक डीएम्स आते हैं वो आते हैं वो सब कुछ वो देखता है. मैं देखता भी नहीं हूँ.
तुम भी उसको हायर कर लो, जो भी तुम्हें आते हैं ना गंद आएंगे, तुम्हें देखने की नीड भी नहीं है, जो अच्छे लोग आते हैं उन पर ध्यान दो। और हाँ, जो मेरे प्यारे प्यारे जो कुछ लोग हैं उनको मैं एक बात बोल देता हूँ, आप सबको रिप्लाई मैं करता हूँ, जो जो अच्छे डीएम्स होते हैं उन सबको मैं ही कर रहा हूँ रिप्लाई, विनय नहीं करता। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी मुझे फालतू डीएम्स आते हैं या फिर जो मेरे पिक्स पे वो आते कमेंट्स आते हैं, उसका काम बस है कि उनको ब्लॉक करना, दैट्स इट, ठीक है, ताकि मैं वो देखूं भी ना। तो बाकी आप सबको रिप्लाई मैं ही कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा। कुछ गर्ल्स को अर्षा कर देती है जो मुझसे फ्लर्ट करती है, तो अर्षा देख के ये क्यों कर रही है बेबी, मैं मुझे नहीं पता बेबी, आई हैव नो आइडिया। जैसे मुझसे कल एक ने था पूछा कि आप लोग डेट कर रहे हो, तो मैं लिखने वाला था नहीं, लेकिन उसके पहले इसने देख लिया, उसने कहा यस हम डेट कर रहे हैं। क्यों लिखा तुमने ऐसा, कितनी प्यारी थी लड़की पता है, जाओ फिर प्यारी लड़की बस, किसी ने रोका पक्का। चलो भाई बाय 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 कर दो, सब बाय कर दो पीयूष को, पीयूष जा रहा है प्यारी सी लड़कियों के पास। हाय नोनी, मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, जाओ। आई एम देवांश भैया, आई वॉन्ट टू लुक लाइक यू भैया, मुझसे ज्यादा अच्छे दिखोगे, ठीक है, एंड लोगों की तरह मत बनो, उनसे अच्छे बनो, या फिर अपने आप में इतने अच्छे बनोगे लोग आपको बोले वाह यार ऐसा बनना है मुझे। When do we plan? Soon, अपने सून, मैंने इससे करी है बात करी है, एंड आपका मैंने जो पूछा डांस के वीडियो आपको दिखा देना, वो सपने करता है, मतलब अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो हम दोनों करते हैं, बोलो हम डांस करेंगे, तो मुझे डांस नहीं आता, लेकिन इसको पीयूष झूठ बोलता है, इसको डांस आता है और काफी क्यूट। शर्म कर प्लीज, शर्म। शादियों में, शादियों में हाथ उठा के नाचना क्यूट लगता है, लेकिन वो डांस नहीं होता। हाँ मैं मानता हूँ कि वो ढोल पे मैं नाचता हूँ तो बड़ा मैं क्यूट दिखता हूँ, लेकिन वो डांस नहीं होता। ये तो ये बात होगी कि तुम्हारे सिक्स पैक्स एब्स है, है क्या? है तुम्हारे एब्स? नहीं। फिर? But सीन no, है। No 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 no। अच्छा करे किया था आपने उस दिन, जब ऐसे नॉर्मल कभी-कभी ऐसे करते हो तो अच्छा करते हो तुम। हाँ बेबी, क्या बात कर रहे हो? किस लोगों को वो भी नहीं आता है, पर ऐसी गर्लफ्रेंड सबको मिले कि जानती है मुझे डांस नहीं आता, फिर भी मेरी तारीफ कर रही है, ऐसी बंदी ये होता है मामला बाबू। मेरा पूछू पूछू So guys, सच में आता है इनको डांस ज्यादा अच्छे से। हाँ, मुझे बहुत अच्छा डांस होता है, पर बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आता, पर अच्छे से बहुत। मैं जब नाचता हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं कि लगे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मत कर। तो हाँ मैं अच्छा करता हूँ, नाच करता हूँ। नाउ कैन वी चेंज द टॉपिक? नो डांस प्लीज, वरना मैं तुम्हारी सिंगिंग की बहुत तारीफ कर दूंगा यहाँ पे। सिंगिंग तो अच्छी है। Exactly. जो अच्छा है उसके बारे में बात करते हैं ना, जो अच्छा नहीं है उसके बारे में क्यों नहीं बात? सच में अच्छा करती हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा bye, love you both, bye. thank you khushi, hello bhai, hello arshia, hi Splitsvilla updates, hello noni. hi noni, how are you noni, hi sony, hi priya pandey, monu, aap dono ki jodi mashallah, thank you mere bhai, jigyasa singh, huge fan of both, bestest couple, thank you, you eat banana again, definitely, well वो जो चैलेंज था, मतलब सेब भी खाती है by the way, सब सेब भी खाती है, ऐसी बात नहीं है, it's not only bananas, she can I love fruits everything. एंड वहां पे मैंने लाइफ में पहली बार लाइफ में मैंने इतना तेज बनाना खाए थे, बहुत तेज, एंड मैं मेरे गले तक यहाँ तक आ चुके थे, और उसके बाद मुझे वो स्विमिंग पूल में ऐसे जम नहीं, क्या था वो, जो भी था वो पूल ही बोलते हैं उसको, टब टाइप जो भी होता है वो, उसके अंदर पूल के अंदर वो जो पानी डाला था गंदा सा, उसके अंदर जाना था, फिर ऊपर भव्या को लेके पूरा लोटपोट होना था। अच्छा मुझे एक बात ना, ये लोग भी मुझसे पूछना चाह रहे थे, जो तुम उसको आपको जो इतना तुम पटक पटक के घेर देती थी, तो वो टास्क था कि लाइक वो तुम्हें अपनी कुंदस निकाल रही थी, कुंदक निकाल रही थी, भव्या को ये पता चल चुका था, फुल उसको उठा उठा के पटक रही थी। क्या दिन था वो, लाइक मैंने पूरी कुंदक वहां पे उतार रही है, बहुत मजा आया था मुझे। घर का बेदी लंकड़ है हमारे यहाँ, तो दोनों जो मेरे वो थे हाथ वही भैया लड़ रहे हैं। भव्या तो भैया फुल ऑन ही जोन में थी,
माना इसने तो उसको धोया, ठीक है कोई बात नहीं. एंड उसमें क्या करना था कि लाइक एक जने को बनाना खाना था और एक जने को ऊपर जाके नंबर लगाना था, बट भव्या ने मना कर दिया था कि लाइक वो ना बनाना खाने वाली है ना वो ऊपर जाएगी, तो फिर दोनों मुझे करने पड़े. एंड तुमने बहुत अच्छा करा, बट नंबर नहीं लगा. कोई बात नहीं, उसने ना बोल दिया, उसकी मर्जी. बट नंबर नहीं लगा उसको, मेरे लिए थोड़ा सैड मोमेंट. नहीं था कि लाइक हम लोग शादी थे, उसका मन नहीं था शायद. ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, उतरोला है ना, तुमने अच्छा करा बहुत. सबसे बेस्ट पार्ट ये था तुमने बहुत अच्छा करा. आई मिस यू अर्शिया, आ जाओ शो में वापस. हाय नेहा, feel happy and excited to see you that you are out of the show. Now the show will be more thrilling and we'll be able to see how Piyush will take revenge from Bhatia. यार तो लेकिन तुम खुश क्यों हो कि ये गई? मैं खुश नहीं हूँ लेकिन यार. She'll come back in wild card 100%. I don't know इस बारे में कुछ भी यार. कुछ नहीं कह सकते हम अभी. I don't know. हर्षिता तिवारी, मैं आपकी वजह से देखना शुरू किया था स्प्लिट्सविला, अब नहीं देखूंगी मैं. प्लीज देखते रहिए, पीयूष गेम में ही है एंड प्लीज पीयूष को बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए एंड वो काफी अच्छे से गेम खेल पाए क्योंकि वो बहुत अकेले हो गए थे उसे. क्या होगा वेल जो लोग so, बोल रहे हैं प्यार व्यार एंड ऑल दैट, वो सच में बहुत ही अपने आंसू को रोक रहा था पहली बार, ठीक है, बिकॉज मैं इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है. सो और मैं बहुत कंट्रोल करता था, मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन जब इसको देखा कि हाँ ये पक्का जा रही है, था कुछ ऐसा होगा कि सेफ हो जाएगी, मुझे था ऐसा, लेकिन हो ही नहीं. ऊपर से अल्फेज आया वो भी रो रहा था, तो उस टाइम पे शो में जो मेरे दो मेन लोग थे वो दोनों के दोनों रो रहे थे, तो मैं मेरे आंसू आ गए फिर यार, फिर मैं रो ही नहीं पाया अपने आप को. एंड मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझको था कि यार और भी ऑप्शंस हैं, उनको निकाल देना यार. एनीवेज कुछ नहीं कह सकते यार, शो के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. अब मैं तो चली गई हूँ, आपको कोई और लड़की अच्छी लगेगी क्या शो में? मुझे एक लड़की है जो कि मुझे लगता है कि उसके साथ मैं पैर पड़ना चाहूंगा, अनुष्का मित्र. ओके हाय मुस्कान, हाय पंचम, हाय संगीता, बीइंग मायसेल्फ, आदि, स्प्लिट्सविला 12 अपडेट्स, पल्लवी शिव शिवांकर, लव यू अर्शियन पीयूष, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू शिफू, आई लाइक योर नेम शिफू, इट्स अ क्यूट नेम, या शिफू, मीट अर्शु, हाय शिफू, मीट अर्शु, हाय, शी कैन ईट बनानास, या सिक्स बनानास इन क्या खा लेगी ये, इन फाइव एप्पल भी खा लेगी ये. इसका अगर टास्क में होता ना कि आपको पीयूष को खाना है, ये मुझे भी खा लेती है. नहीं खाते और मैं बहुत क्या पीयूष की आदत है ऐसे, ये ऐसे ही करते रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं. मतलब अभी लाइव वीडियो पे तो बहुत कम छेड़ते हैं मुझे, मुझे बताओ मैं चूहा छोड़ दूंगा नहीं चूहा नहीं. इतनी बड़ी फट्टू है ये और अल्फेज हा दोनों. अभी क्या हुआ था, लाइक मैं जहाँ पर रहता, मेरी जो बिल्डिंग है तो वहाँ पे चूहे कभी आते नहीं है, ठीक है. लेकिन गणपति जी का वो चल रहा है फेस्टिवल, तो चूहे का तो आना बहुत वो है, नॉर्मल है, बिकॉज कम ऑन भगवान का रूप है मूषक. तो हुआ क्या कि पहली बार मेरे फ्लैट में एक चूहा आया. आराधना, अल्फेज, अर्शिया, ये तीनों बाहर थे और जो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, अल्फेज पागलों की तरह यहाँ से वहां भाग रहा है, ये भाग रही है, आराधना भाग रही है. सबसे फनी पार्ट क्या हुआ था मुझे पता है, ऐसा लगा चूहा नहीं कोई शेर आ गया सच में. फिर मैं अपनी बाहर आया, हॉल के अंदर आया कि चूहा कहाँ है, तो मैं ऐसे कुछ उठा रहा हूँ ना, इसके आई थिंक इसके नीचे होगा, ये दोनों ऐसे रूम बंद कर रहे हैं. नहीं 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 तू देख, मतलब इनकी दोस्ती क्या है कि तू बाहर लड़ उसे चूहे से. इनने डोर बंद कर लिया कि चूहा अंदर ना आ जाए, इन लोगों ने डोर नहीं खोला. बहुत
बहुत डर गई थी, मुझे शो से बहुत डर लगता है यार, बहुत ज्यादा. मेरे नंदी, मुझे पीयूष से डर नहीं लगता. पीयूष शेर है ना, चूहा नहीं. और मुझे स्नेक से भी डर नहीं लगता है मुझे. मैं सांप को ऐसे हाथ में पकड़ सकती हूँ. तो क्यों नहीं पकड़ा फिर उसमें, अगर कोई वहां पे कुछ सांप था ही. डोम में नहीं था सांप, एक डोम में सांप था एक. यू बोथ मेक दैट भाटिया की बैंड बजा. अरे यार छोड़ो ना, हमें किसी की बैंड नहीं बजानी, ठीक है. देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि सही वक्त पे हर चीज हो जाएगी अगर वो सही है तो, ठीक है. इफ ही इज राइट तो वो है, और अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ. एंड मुझे जो भी लाइक डीएम भी आते हैं ना कि लाइक तू वैसा तू हार गया. हाँ भाई मैं हार गया, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं हार गया. मैं आके वो नहीं कर रहा डिफेंड कि हाँ ये हुआ वो हुआ, चल कोई वो नहीं, हार गया. हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, यही हूँ मैं. जहाँ मेरी गलती होगी मैं बोलूँगा वहाँ मेरी गलती है, जहाँ मेरी गलती नहीं होगी वहाँ बोलूँगा वहाँ मेरी गलती नहीं है, जहाँ मैं हारा हूँ वहाँ मैं हारा हूँ, ठीक है. अगर मुझे कुछ फीलिंग आती है ना कि हाँ कुछ चीटिंग हुई है कुछ हुआ है, तो मैं ज़रूर आता लाइव और उसके बारे में बात करता है कि मुझे उस टाइम पे कोई चीटिंग वहाँ दिखी नहीं. कुछ लोगों ने करा कि डीएम के ना जो आपने बोला अभी कि भव्या ने ना तो के लिखा है ना वो ऊपर का, ऐसा क्यों? तो यार वो उससे हमने पूछा था, उसने साफ ना बोल दिया था कि मैं नहीं करूँगी. तो हम फोर्स क्यों करते हैं उसे कि नहीं तू कर, ठीक है. तो ठीक है वो उसकी अपनी चॉइस थी. आई एम ग्लैड कि आयशा मेरी टीम में थी और वो इतनी सुपर स्ट्रांग है, उसने केले भी खाए ऊपर भी गई. तो फॉर मी मैं वो टास्क जीत चुका हूँ यार, मेरी बंदी ने बहुत अच्छा खेला, यही सबसे बेस्ट पार्ट था. मैं जो दो गर्ल्स को लेकर था डेट पे, भव्या एंड अर्शिया, सो जो मेरा एक्चुअल है कनेक्शन अर्शिया, उसने काफी अच्छा खेला. दैट्स इट. देवी तुमने मुझे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा तो मुझे आज बाहर खाना खिलाओ. हाँ डिनर पे जाएंगे, पक्का जाएंगे आफ्टर. कहाँ जाना है डिनर पे बेबी को? हाँ कहाँ जाना? बेबी को बेस पसंद है, आई मीन सॉरी ताज पसंद है. ताज जाना है पीयूष को, ताज जाने का मूड हो रहा है. नहीं मूड तो ताज जाने का हो रहा है. सो हाँ यार वही बोलूंगा आप सबको मैं कि लाइक आ रहा हूँ मेरा टास्क. हैप्पी खुश मेरे हेटर्स, आपको मिल गया कि वो पीयूष ने एक्सेप्ट कर लिया. हैप्पी गाइस कम ऑन. बच्चा नहीं हूँ भाई मैं, क्या कि चीखूंगा चिल्लाऊंगा जिदूंगा. जहाँ सही हूँ वहाँ चीखूंगा भी चिल्लाऊंगा भी, शब्दों से फाड़ूंगा, बहुत सारी चीज़ें फाड़ूंगा. जहाँ मैं सही हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ पर आके अपनी खुद की गलती मानूंगा भी कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ. आई एक्सेप्ट इट. सिंपल. बाय द वे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा उस शो के अंदर? रिद्या माय गॉड रिद्या, वो बंदी पैकेज है पूरा भाई. पैकेज. बहुत लोगों ने था बोला कि यार उसको क्यों लिया गेम में, दिख गया क्यों लिया है. भैया हाइट वाइट पे मत जाओ, ठीक है. यू हैव नो आइडिया. उदय रिद्या फुल ऑन पैकेज है उस गेम के, तुम आइडिया नहीं है. दिख गया ना कमान यार, कहां यार रिद्या क्लास. मैं उस दिन ना डोम में मैं जितना रोया था इसके जाने पे, उसके पहले उतना मुझे हंसी आ रही थी रिद्या जो फाइट बैक कर रही थी. एक तरफा गेम हो गया था उस टाइम पे. जीनल मेरी बहुत अच्छी दोस्त थे, ठीक है. लेकिन उस टाइम पे मुझे भी अजीब लग रहा था लाइक उसका नाम क्यों, बिकॉज हमारा ग्रुप एक था यार. और मैंने नाम लिख दिया था जीनल और श्रेका, हम काफी अच्छे दोस्त थे उस टाइम. अच्छा एक बात और मैं वो करता हूँ क्लियर करता हूँ, बिकॉज ये लिखा है कुछ लोगों ने कि अर्शिया अपनी जो है उसकी इतनी गलती से नाम लिखा, उसकी गलती नहीं थी गाइस. हुआ ये था कि हम लोगों के पास में 9 वोट थे 10 में से, ठीक है. एक्चुअली 8 वोट थे हमारे पास में कि 8 लोग तो पक्का हमें सेव करेंगे. लोका, एलिस, अंशित, शिवम, ये 4 के वोट जो चेंज हुए ना ये अजीब था, बिकॉज
अल्फेज, आराधना, संभव, मैं, हमारा तो फिक्स है अंकुश को हम वोट देंगे। हमने श्रेय को वोट क्यों दिया, बेसम को था हमारा दोस्त वहां पर गया तो कम से कम उसे एक वोट तो मिलना चाहिए, हमारी टीम का बंदा यार। तो इसका वो था पॉइंट कि हाँ चलो हमारी टीम का एक बंदा वहां पर है तो एक वोट तो मिलना चाहिए, बिकॉज चाहे वो वोट उसको ना भी देगी तब भी अंकुश ही आगे होता। ये 8 वोट थे हमारे पास में, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों एलिस ने एंड अंशित ने, शिवम ने ये सब कुछ किया लोका ने। ठीक है, अब उनसे मुझे कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोका तो मेरा बेस्ट ही है अभी यार। ठीक है, हाँ। बहुत प्यारा बंदा है वो। उस टाइम पे जो भी था रीजन, उसको एलिस ने कर लिया था कन्विंस के प्लीज वोट अगेंस्ट अंकुश एंड ऑल, तो ठीक है भाई, उसने काट के करा था लोका ने, तो ठीक है यार। Okay. ये जो लिख रहे हैं लोग, अपनी उससे गई गलती से नहीं, ये अपनी गलती से नहीं गई, हमने वहां पर हमारी दोस्ती निभाई है। और मेरे लिए जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने दोस्तों के exactly. साथ फेक ना करूं। अगर मैं उनकी दोस्त हूं तो दोस्त हूं, एंड वहां पे जो 4 लोग बैठे थे उनमें से मैं जीनल और श्रेय को अपना दोस्त मानती थी, तो मैंने उन्हें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम आपको बोलता हूँ, हमारा बहुत सिंपल ग्रुप था हमारा यार, अर्शिया, विद्या, संभव, लोका, अल्फेज, आराधना, जिनल, श्रेय, एलिस, शिवम, अंशित, ये हमारा ग्रुप था। पर मुझे लगता नहीं है अंशित कभी हमारे ग्रुप में था। नहीं, अंशित था मेरे साथ में, आई न्यू कि वो मेरे साथ में है। उसने जब मुझे धोखा दिया तब मुझे अजीब लगा, वो अलग बात है, लेकिन अंशित मेरा दोस्त था। ऐसा तो जिनल भी थी, प्रेमवदा, जिनल ने वो लोग हमारे साथ आके बात तो करते थे, बात करना लगा था कि आई थॉट कि अंशित मेरे साथ में है यार, लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो भी लास्ट में ऐसा करेगा। ठीक है, सो जो हमारा ग्रुप था उसमें से 4 लोग तो एकदम से चेंज हो गए थे यार। एनीवेज, व्हाट्स गॉन इज गॉन। ठीक है, और जो भी हमारे प्यारे प्यारे एडमायरर्स हैं उनके लिए ये बात बोलूंगा कि आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो हमारे लिए यार, बहुत मतलब कल हम दोनों देख रहे थे कि आप लोग फाइट कर रहे हो कमेंट्स के अंदर लोगों से। ठीक है, तो मैं तो इतना नहीं कि ना ये बड़ा वो गई थी इमोशनल कि आप देखो बेबी इतना फाइट कर रहे हैं, मैं आई नो। ठीक है, तो अच्छा लगा ये बात देख के कि इतने कम टाइम में आप लोग इतना साथ दे रहे हो हमारा। ठीक है, बहुत लोग बहुत अच्छा वो कर रहे थे फाइट बैक, साहिल, आशिका, जॉय, नोनी, अंजलि, सृष्टि, और बहुत सारे लोग बहुत लोग थे। एक आकाश भी था, कोई एक आकाश था, एक कोई मिस फेमिनिस्ट थी, तो ये सब लोग ने ना बहुत मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि ऐसा कुछ करो अपने आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको एक बात और कहूंगा कि आप लोग है ना, कोई एक सामने से गालियां लिख रहा है तो आप लोग सच बोलो, इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। आप उनको गंद मत बको, होगा क्या बेसिकली आप उनके लेवल पे जा रहे हो, मत जाओ उनके लेवल पे। ठीक है, अगर वो गालियां लिख रहे हैं आप उनको फैक्ट लिखो, जब आप फैक्ट लिखोगे सच बोलोगे ना उनकी बेइज्जती वहीं हो जाएगी। ठीक है, आपको उनको गालियां लिखने की नीड भी नहीं होगी, सबसे बेसिक बात। दूसरा, मैंने एक बंदा हायर क्यों करा हुआ है इसके लिए, कुछ लोगों ने कहा कि लाइक डरता है तो उसके हायर कर लिया, नहीं भाई, मैं अपने मेहनत से पैसा कमाता हूँ। ठीक है, दिन रात मैं काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, और मैं एक बंदा अफोर्ड कर सकता हूँ जो कि मुझे ये सारी जो होती है नेगेटिविटी उनसे दूर रखे। ठीक है, मुझे काम करना होता है यार तो मैं फालतू के डीएम चेक नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने ये बंदा हायर करा हुआ है कि भाई तू देख लिया कर, तू उनको रिमूव कर दिया कर, जो अच्छे लोग हैं उनकी मुझे तू डीएम, मतलब जो भी अच्छे लोग आते हैं डीएम उनको मैं देखूंगा, फालतू को तू देख ले, सिंपल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जो लोग मेरे इस पे आके वो करते हैं गालियां लिखते हैं जो भी लिखते हैं, आज नहीं तो कल वो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग फैक्ट्स बोलो, सच बोलो, उनके लिए इतना ही बहुत है, उनको गालियां मत बको यार। फिर आप लोगों में उसमें अंतर क्या रह गया, जो कि मैं ये बात बोलता हूँ कि हम दोनों के जो भी लोग फैंस बने हैं उन सब अच्छी बात यह है कि हमारे जो भी फैंस बने हैं उनका एक स्टैंडर्ड है जो मैंने देखा भी है, सबका है। ठीक है, तो बाकी जो लोग आके लिखते हैं ना, गालियां लिखते हैं या जो भी होता है, उनका नहीं है स्टैंडर्ड यार, समझो बात को। ठीक है, बेवजह लिख रहे हैं गालियां, कोई वो भी नहीं है ना, सीन भी नहीं है, क्यों लिख रहे हो, कुछ है ही नहीं। तो आप लोग प्लीज उनके लेवल पे मत गिरो, और जो आप लोग प्यार दे रहे हो उसके लिए मैं क्या ही बोलूं यार। ठीक है,
इतना प्यार तो मुझे इसने भी दिया कभी। हाँ और इन्होंने भी नहीं मुझे दिया। हाँ तो मैं चाय पहले यार सुबह तो तुम्हारे लिए चाय मैंने बनाई थी, तुमने क्या कहा था अच्छी नहीं बनी है, जैसी बनी है पी लेनी चाहिए। चाय में अगर कोई शक्कर की जगह नमक डाल ले तो पी लो, तो पी लो। मैंने नमक नहीं डाला था, मैंने चीनी डाली थी। अच्छा सिर्फ अदरक नहीं डाली थी मैंने चाय में, उसकी जगह मैंने क्या डाला था, क्या था वो, हल्दी, इलायची डाली थी मैंने उसमें। एंड मुझे इलायची वाली चाय अच्छी लगती है लेकिन मुझे टेस्ट ही नहीं आया। आई थिंक पहले खा गई इलायची, अब इसने चाय पी कि हाँ चलो मैं मुंह में खा लूंगी इलायची, अब चाय पीऊंगी टेस्ट आएगा, दिमाग है मुझे बहुत। नहीं ऐसा नहीं। कुछ नहीं ऐसा कुछ है ना। एंड ठीक है अभी बहुत हो गया, बेबी बहुत ज्यादा बोलते हैं, मेरी बारी है अब बोलने की। ठीक है सबसे पहले थैंक यू सो मच, ये जो बार बार मुझे बहुत सारे हार्ट्स दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू। एंड मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शो से बाहर निकलने के बाद भी बहुत ज्यादा लोग मुझे प्यार करेंगे एंड बहुत ज्यादा मुझे अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे एंड मेरे लिए लड़ाई तक करेंगे। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एंड आई एम थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन एंड आई लव यू गाइज अ लॉट। तो आप बोल सकते हो अब अपन बोलेगा हमेशा की तरह। बहुत कुछ यहाँ पर आ रहा है, मतलब बहुत कुछ लोग यहाँ लिख रहे हैं, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा, सॉरी बिकॉज़ बहुत फास्ट हो गया। फेवरेट कपल, तो आप सबको एक ही चीज मैं कहूंगा, आप लोग हो इसलिए हम लोग हैं। ठीक है हम जो भी काम कर रहे हैं, एक्टर हूँ मैं, ये सिंगर है, सिंगर भी एक्टर भी है, तो हम लोग क्यों चलते हैं, हमें क्यों काम मिलता है, बिकॉज आप लोग हमें लाइक करते हो। बिल्कुल अगर आप लोग हमें लाइक ही नहीं करोगे तो हमें काम कहाँ से मिलेगा। ठीक है तुम्हारे घर में जो भी रोटी चावल आता है उसका रीजन आप लोग हो। ठीक है सो उस चीज के लिए थैंक यू सो मच है एंड दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो मैंने कहा अगर आप लोग हो तो हम लोग हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। ठीक है तो थैंक यू एंड आई एम सॉरी अगर मैं बहुत सारे डीएम्स के रिप्लाई नहीं कर पाया, बिकॉज मैं शो ऑफ नहीं कर रहा गाइस, मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन सच में बहुत डीएम्स आए हैं, बहुत सारे आए डीएम्स आए हैं। तो मुझे सुबह सुबह 6 बजे होता निकलना होता है, आप लोगों को अपने देखा होगा मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, 4 बजे उठ रहा हूँ मैं आज के रोज, एंड मुझे 6 बजे निकलना होता है, मेरा 7 बजे का होता है कॉल टाइम, सो 6 से लेके शाम के 6 बजे तक मैं शूट पर होता हूँ। वहाँ से आने के बाद में कुक करना, फिर हमें जिम जाना होता है, इनको ट्रेन करना होता है हमारे नंदी को। ठीक है तो सिंग मारेगा मुझे भी हमारा मार तो उसके बाद में यार रात को मुझे अपनी एक्टिंग पे भी काम करना होता है, कोई बुक्स पढ़ लूँ, कुछ लाइंस पढ़ूँ, कुछ मतलब वो एक्टिंग के वो देखूँ, वीडियोज देखूँ, तो उसके बाद में जब मैं फोन अपना हाथ में लेता हूँ तो मुझे इतने डीएम्स होते हैं, तो आई ट्राई कि मैं सबको आंसर करूँ। ठीक है एंड मैं कभी लाइक ये नहीं करता कि लाइक बॉय को करना है गर्ल को नहीं करना, मैं सबको कर रहा हूँ यार गाइस, सबको, ऐसा नहीं कि लाइक मैं किसी को मैंने कोई टारगेट कर रखा है सिर्फ बॉयज को करूंगा क्योंकि वो मेरे भाई हैं या सारी गर्ल्स भी प्रॉपर रिप्लाई जाते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं मोस्टली अपने मतलब मैं बायस नहीं हो रहा, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे बॉयज को रिप्लाई करता हूँ, बिकॉज रात के 2 बजे मैं होता हूँ, फ्री होता हूँ यार। ठीक है तो रात के 2 बजे किसी लड़की को भेजना थैंक यू हाय हेलो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं बहुतों को नहीं भेज पाता, लेकिन हाँ सुबह जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं सारी गर्ल्स को लिखता हूँ कि थैंक यू या जो भी है, और मेरे भाई तो सारे मेरे भाई हैं, तो रात को इसलिए मैं आप लोगों को 1 बजे भी आपको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये रीजन है। रोमांस की, ये रोमांस की एक्टिंग कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। मेरे साथ तो बिल्कुल इनका रोमांस आता ही नहीं, बस तो झगड़े होते हैं हमारे, और झगड़े क्यों नहीं होंगे, वेल अब थोड़े कम होते हैं, झगड़े क्यों नहीं होंगे मुझे बताओ, वो हमारे बहुत झगड़े क्यों नहीं होंगे यार, घर में खाना आता है दो लोगों के लिए। हाँ अगेन यार नो वे, कल तो मैंने खाया भी नहीं था, रात को मैं खा के आई थी, भूल गए तुम, बहुत झूठ बोल रहा हूँ, मैंने सच में इनका खाना कभी नहीं खाया, और कुछ ऑर्डर करने वाले थे
समझ सकते हैं अगर आपको लगता है फेक लोग ऐसे रहते हैं तो आई डोंट माइंड. नहीं मैं पता है बहुत खुश हूँ आप लोग तो मुझे लगता है ना फेक है एक्टिंग कर रहा है भाई. आई एम हैप्पी कि तुम लोगों को ये सब कुछ एक्टिंग लग रही है, मतलब इतना ज्यादा रियल कर रहा हूँ मैं, आप लोग एक्टिंग लग रही है. तो आई एम ग्लैड कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. प्लीज ये सब कुछ, ये सारी बातें करण जौहर, संजय लीला बंसाली, देन मेरा फेवरेट कौन है वो, उसका नाम भूल गया वैसे, शायद मेरा फेवरेट नाम क्या है, जानकी समझपुर वाला, मैं तो कल ही उसका नाम पता चला था, मैं फिर भूल गई. हाँ सो उनको कहो ही जाके कि देखो यार ये बंदा आया शो के अंदर इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये प्यार भी नहीं है और प्यार दिखा रहा है, तो उनको दिखाओ बोलो, बिकॉज फॉर मी ये बहुत रियल है और आप लोगों को एक्टिंग दिख रही है तो मतलब मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ भैया, मेरा तो बन गया फ्यूचर. थैंक यू अच्छा एक बात और मुझे जो कल किसने था बोला कि भाई प्लीज टिकटॉक बनाओगे दर्शिया, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ. पता था मुझे, ठीक है मैं सी मैं 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 डांस भी नहीं करता लेकिन हाँ हम दोनों साथ में एक डांस वीडियो पक्का बनाएंगे, ठीक है. टिकटॉक मुझसे नहीं होगा यार, मुझसे मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है, एंड अर्शिया उस पर बहुत फेमस है, लेकिन यार मुझसे वो ना हो पाएगा. मैंने बहुत पहले क्या नाम था पहले उसका, म्यूजिकली मैंने वो ट्राई किया था, ठीक है, म्यूजिकली की सिर्फ गिनती की चार म्यूजिकली बनाई थी इन्होंने और उसमें भी मैंने टीम के साथ ट्वीट किया, मैं जल्दी पोस्ट करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे वही वाला. आई थिंक यू आर फ्लर्टिंग विद द सॉरी यू शुड बी एग्जैक्टली वो वाला. तो ये बोलूंगा कि मैं यार टिकटॉक ना हो पाएगा हमसे, बाकी डांस का वीडियो मैं बहुत जल्द हम दोनों अपलोड करेंगे. सॉरी अगर मेरे बाल को छिड़ा दो डोंट कुछ नहीं 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 मेरे प्लीज प्लीज बाल मत छेड़ो मेरे. अच्छा सब छेड़ो पर बाल नहीं छेड़ोगे तुम मेरे, वरना मैं छेड़ूंगा. हाय झाड़ू के बाल है इसके, क्या खराब करूंगा मैं आपके, मेरे अच्छे बाल. आप अपने बाल देख रहे हो, ये जब मुझे मिले थे ये बहुत ही चिकनी चिकनी हुआ करते थे, हमें भी नहीं थी सर बिल्कुल भी नहीं थी, बट अब ये ज्यादा क्यूट लगते हैं क्योंकि इन्होंने इनकी दाढ़ी मूछ है. यार मुझे पता है बाहर लोग पहचानते भी नहीं है. हाँ. मेरे बाल लंबे है ना, मेरी बियर्ड आ चुकी है, तो हम साथ में होते हैं लोग इनके पास में आते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सर वो पीयूष कहाँ पर है, और मैं बगल में खड़ा हूँ, मैं भाई मैं ही हूँ. पहचान नहीं रहे मुझे यार, अगर मैंने दाढ़ी रख ली है, मेरे बाल लंबे हो गए तो मुझे लोग पहचान तो लो. तो ये मैं वेट करता हूँ कि चलो चलो अब यहाँ होंगे सेल्फी, अब यहाँ पर आएंगे, मैं अपने अपने बाल दिख कर रहा हूँ, फिर आके इसको बोल रहे वो पीयूष आपके साथ में था वो कहाँ पर है, मैं यूँ कर रहा हूँ क्या वो ये रहा मैं ये सामने खड़ा हूँ दाढ़ी मूछ में कितने हैंडसम लगते हैं पीयूष, एंड इनके पहले और भी लंबे बाल, दाढ़ी मूछ में जो अर्शा लगती है ना, ओ हो क्या लगती है दाढ़ी मूछ में भाई. मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बार, मैंने नकली दाढ़ी मूछ लगाई थी उसमें, नकली नहीं क्या आपको आती ना सही रियली क्या है बेबी क्या है कुछ भी बकते हो यार तुम. मैं फुल बॉडी लेजर करा दूं, आई डोंट गो फॉर वैक्सिंग लेजर. ये भी है विग, दिखाऊं? हां दिखाओ विग, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मेरे असली बालों का मजाक उड़ाओगे तो मैं क्या दिखा रहा हूं. ये विग है, ये विग है, इसके नीचे बाल ही नहीं है, ही नहीं, खत्म हो चुके. मैं टकलाऊं? हां आप रुको प्लीज, रुको प्लीज, पीयूष को बहुत गंदी आदत है दंडिया मारने की. ओके यू हैव बिकम माय न्यू क्रश, थैंक यू पंत भूमिका, पीयूष इज बेस्ट, ही इज डायरी. Thank you.
नाम क्या आपका? रोज क्वीन 111. यू गाइस आर परफेक्ट. थैंक यू एलिना. प्रियंका हेलो. हाय राधिका. हाय सुदाकी सिंह. यार नाम बहुत टफ है यार, ऐसे नाम मत रखा करो, मैं बोल नहीं पाता. अर्षा भाई मुझे मैंने, हाँ पता है क्या, मेरा भी आएगा एक वीडियो, वहां पर मैं अर्षा का नाम भूल गया था, मैंने बोला हर्षिया. मुझे सिर्फ पीयूष का नाम सबसे पहले याद हुआ था, बाकी किसी का मुझे नाम नहीं याद हुआ था. वीडियोस में भी मैं कह रही थी वो कौन था. मेरे को नाम जल्दी जल्दी याद नहीं होते. यार तुम बहुत बेकार नाम ही नहीं ले रहे. कौन? हाय मुस्कान, मैंने अपना नाम ले लिया. थैंक यू मुस्कान. बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक है? हाय बैकग्राउंड में अविनाश जी का विसर्जन चल रहा है जी, तो उसके वो ढोल नगाड़े बज रहे हैं. हाय पलक. हाय किशोरी. हाय स्नेहल. हाय सुप्रिया. राहुल. श्वेता. श्रुति. परी. रवि. सुभा. लक्ष्मी. रीना. तमन्ना. मिस्टर एबी ब्लैक. मनिष्का. लक्षु. डेंकी. तमन्ना. आई एम देवांश. इंद्रा. शिवा सोलंकी. देखो क्या देखो, 606 पीपल देख रहे हैं हमें. हाय एंड ये दिल देने के लिए थैंक यू सो मच. वी वर इग्नोरिंग नेगेटिव कमेंट्स टू द कोर. हेटर्स हैव नो लाइफ. नहीं मैं आपको ये नहीं बोलता कि लाइक अगर वो लोग कुछ लिख रहे हैं और आपका मन कर रहा है उन्हें कुछ आंसर करने का तो आप लोग आंसर मत करो, आंसर तुम लोग करो, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट देन उनके लेवल पे गिर के नहीं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, दैट्स इट. तो वो लोग अपने आप लाइक समझ जाएंगे कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग तो हमारे लेवल पे आ ही नहीं रहे. समझ रहे हो? बी क्लासी. बट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं जैसे शो से ऐसे, सबसे फनी पार्ट क्या था शो के अंदर, जब भी थी जो भी गर्ल्स इसको बोल रही आंटी आंटी आंटी, वो खुद इससे 10 साल पड़ी. रहने तो नाम मत लेना उन लोगों का, इट्स ओके. अगर उनको खुशी मिल रही मुझे आंटी बोलने में तो जो बोलना है बोलो. यू आर हैप्पी बी हैप्पी, नो प्रॉब्लम. जो बोलने का बोलो, सब चलता है. इसको जो बोलना है बोलो. एक मुझे डीएम आया था कि आप तो मायशा की बहुत तारीफ के करते, उसने ऐसा क्यों करा? यार आई समवेयर फील कि मायशा का ये फैसला नहीं था, ठीक है. जो मुझे लगता है अगर मायशा का ये फैसला होता तो मायशा शुरुआत में पुलकित को डंप नहीं करती. उस टाइम पे अंकुश भी था, बहुत लोग थे, वो उसको डंप कर देती जो फर्स्ट होम था. तो मायशा का मुझे फैसला ये लगाना था, इसलिए तो मायशा के लिए मैंने गेम में मैंने जो भी कहा है जो भी है वो अलग बात है, कि मायशा आई फील एक अच्छी इंसान है. बहुत सूरज शाह. थैंक यू सूरज शाह. लोन रेंजर. एक्टिंग आयशा के साथ कर लिया करो रोमांस की. ये वही है वही. इतना ओ फक ओ शिट बहुत सारे स्क्रिप्टेड शो. नहीं इट्स यार तुम्हें स्क्रिप्टेड लग रहा है सब कुछ ही. ओह माय गॉड मेरी लाइंस भूल गई हूँ मैं. वेयर इज माय लाइंस? वेयर इज माय नेक्स्ट लाइन? क्या बोलना था मेरे को बता दो कान में चुपके से. तुमको ये बोलना था कि कान में हमको पता चल रहा है. इतनी गंदी एक्टिंग करती ना ये. ये था पूरा स्क्रिप्टेड जो भी हो रहा था. स्क्रिप्टेड हो रहा था. मेरी नेक्स्ट लाइन्स बता दीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे बोलूं. गाइस हम लोग इतने अच्छे एक्टर्स नहीं है कि हम लोग फाइट्स को फेक कर सके, आंसू को फेक कर सके, प्यार को फेक कर सके. इतने अच्छे एक्टर भी नहीं है भाई, ठीक है. प्लीज फेक नहीं कर सकते यार इस चीज को. एंड हम रियलिटी शो में गए थे, उसके लिए उसका कोई रीजन हुआ. हम रियलिटी ही दिखा सके, ठीक है. पर वहाँ पे जो चीजें गुस्से में हो जाती हैं, गुस्से में जो निकल जाता है मुंह से, वो सब बहुत ही बाद में देखने में बहुत एम्बैरेसिंग होता है. ट्रस्ट मी, मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जिनको मैं ऐसे जवाब दूँ गुस्से में आके. बट उस टाइम नहीं है, कोई भी नहीं है. उस टाइम में किसी को जान से मारने के लिए इतना बोझ आऊँ, कोई भी नहीं होता. हाँ मुझे बहुत आता है गुस्सा, मैं मानता भी हूँ, लेकिन मैं कभी इतना नहीं होता है मैं इसको मारने के लिए जाऊंगा. इनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. एंड मेरे को कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना आता है. जब एक पानी आपके सर के ऊपर से निकल जाता है ना, तब थोड़ी दिक्कत होती है.
हर इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, राइट। जब आप मेरे उस लाइक उस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सो अर्जुन रेड्डी बेबी वेट ना, कैसे हो मेरे भाई? हाय हाय अर्जुन रेड्डी। सो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज मेरी फाइट्स को लेके मुझे जज मत करना। मैं नॉर्मली लाइफ में इतना ज्यादा लड़ती तो लड़ती, अरे बहुत लड़ती है ये, सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ती हूँ, देख रहे हो? हाय शिवानी, हाय श्रेया, नूर, वर्षा, खुशी जैन, ठीक है नाम पढ़ना है अंजानी। यस अर्शिया, एक भी मेरे कमेंट्स भी नहीं पढ़ रहे हो तुम, मेरा है ना इसलिए लाइव चला गया वो कमेंट। लो लव यू बोथ गाइस, शादी में इनवाइट करना। हाँ एक काम कर, तू आ जा शादी में, जॉय तू आ जा। देखो मैं शादी में अभी करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, कुछ बनने तो दे मेरे भाई, कुछ बनने तो दे हम दोनों को। सबने मुझे बोला कि शादी कब कर रहे हो, बस अभी कर रहे हैं, एक दो दिन में ना हो यार, अभी एकदम अभी शादी शादी होगी, इसकी भी होगी मेरी भी होगी, हाँ साथ में होगी नहीं होगी वो हम क्यों बताएं अभी तुमको, इतना हम इतना आगे नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ यार कुछ हमें बनने लाइफ में कुछ करने दो, बिकॉज ये वहां से है, मतलब कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। तुमने कहा था वहां से, पाकिस्तान से? ये है चंडीगढ़ से, मैं हूँ जयपुर से। हम लोग अपना अपना शहर छोड़ के, अपना अपना कंफर्ट जोन छोड़ के शहर में आए हैं, क्यों? कुछ हमें बनना है, राइट। तो अच्छी बात यह है कि लाइक हर इंसान को एक सपोर्ट सिस्टम की नीड होती है, एंड वो सपोर्ट सिस्टम मुझे तो मिल चुका है अर्शिया के रूप में, मुझे भी मिल चुका है मेरे मॉम के रूप में, इनका कोई सपोर्ट नहीं है, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मिल गया मतलब क्या? वो है हमेशा। एग्जैक्टली। सो चिढ़ा रही हूँ बेबी, तुम सीरियसली गुस्सा तो नहीं हो रहे हो ना? हो रहा हूँ मैं। अच्छा आई एम सॉरी। पीयूष बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मेरे को हर चीज में, एंड मुझे कभी भी कुछ भी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मुझे ऑलमोस्ट हमेशा होती है, हमेशा चीज कंफ्यूज होती है। हाँ मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को। ये और प्रत्यक्ष ये दोनों साथ में होते हैं ना, इनकी भैया जुगलबंदी देखने लायक होती है, क्यों वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन हाँ यार हमें पहले कुछ लाइफ में कुछ करने दो, शादी वादी भी कर लेंगे, इनवाइट भी कर देंगे, ठीक है? पूरे 1100 रुपए का शक्ल लेंगे आना। लव फ्रॉम उत्तराखंड, गॉड आई लव उत्तराखंड। पीयूष कहीं घूमने नवंबर में जाएंगे हम कहीं घूमने, अक्टूबर। आशिमा खातून, हेलो आशिमा, 3727 रोजी, हाय जॉय, अनुष्का चौगलेट, मैम आप वापस आ जाओ जल्दी। मलकित सिंह, सहरा, तान्या, मेघा 1604, रिजविचा 08, खुशी जैन, सईद, एलिना, भव्या, रियली डिड रॉन्ग विद आना, डोंट यू फील इट? आई डोंट थिंक सो यार। इस पे मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा नहीं, बिकॉज आहाना मेरे दोस्त का कनेक्शन है, एंड भव्या अब तक तो दोस्त थी मेरी, अब तक, आगे पता नहीं। सो अभी इस बारे में मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा नहीं, बिकॉज मैं पूरी भी बातें जानता नहीं, अपकमिंग जो आएंगे एपिसोड जो आपको दिख जाएंगे, तो अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आई थिंक आप लोगों को ये बस सोचनी चाहिए कि नहीं यही होगा इस शो के अंदर, ठीक है? ये फाइट्स जो हो रही हैं वो होएंगी, मतलब कुछ और। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये शो बड़ा प्यार से निकलेगा, बहुत ही सब बहुत प्यार से बातें करेंगे, हंजी हंजी करेंगे, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर गाली गलौज भी होगा, यहाँ मार फाड़ भी होगी, बिकॉज यार शो क्या है, ये शो क्या है, एक
बहुत रियल शो है यार ये, बहुत रियल, हाँ जो होता है बहुत रियल हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी फेक नहीं करेगा। अगर कोई इंसान गाली बोलना चाहता है वो बोलेगा ना यार, अगर वो उसको मारना चाह रहा है, मारना चाह रही है तो वो मारेगी। मैं ये नहीं बोलता कि वो सही है, लेकिन आपके अंदर से कुछ फिर आ रही है और वो सामने आ गई तो आप उसको फेक नहीं बोल सकते, राइट? तो ये होगा, वहाँ जो प्यार भी हो रहा है वो भी बहुत रियल है। बिकॉज आप लोग ये देख रहे हो लाइक प्यार, आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि लाइक हम लोग वहीं पर रहते हैं, हमें और 24 घंटे हमारे साथ में होते, कोई फोन कोई टीवी कुछ नहीं होता, सिर्फ ये मैं और खाना और अर्शिया का फेवरेट चीज क्या होती है, खाना। और मैं इनके रूम में हमेशा इनके लिए चाय लेके आती थी, आपके लिए सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कौन लेके आता था जब आप नहीं जाते थे उठ के, आप हमेशा सबसे पहले उठ के वॉशरूम चले जाते थे। सबसे ज्यादा मैं मिस वही करने वाला हूँ कि सुबह सुबह कौन मेरे लिए चाय लेकर आएगा। यह डायरेक्ट एक है कि सुबह सुबह उठते मुझे वॉशरूम जाना होता है, तो चाय भी नहीं होती, मैंने पास कर रही हूँ। गाइस अभी आई थिंक हम लोग बाय बाय आप लोगों को बोलते हैं, बिकॉज बहुत तेज की साउंड है और आप लोगों को मेरी आवाज साफ नहीं आएगी, तो अभी के लिए बाय बाय टाटा एंड ईशानी, हाँ ईशानी बोल रही है, यू आर चूतिया, थैंक यू ईशानी, आप हमारे लाइफ पर आए, इतना आपने टाइम निकाला, हमें गाली बकी आपने, थैंक यू आपको, आपका नाम बोल दिया मैंने, आप खुश हो आप, आपका नाम बोल, आपको आप इसके फैन हो, उसने आपको अपना नाम लिया है, नहीं लिया ना, चलो हमने आपका नाम ले लिया, हैप्पी शानी, थैंक यू शानी, थैंक यू शानी, बहुत खुश होगी ना, और गालियां देनी और लिख दो क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस शो उसके आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, एग्जैक्टली, थैंक यू, वो हमें दिख रहा है, थैंक यू सो मच ईशानी, और कुछ और कुछ लिखना है लिख दो, और कुछ भड़ास निकालिए निकाल दो, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको हमें गाली देके खुशी मिल गई तो तुम लोग गूगल पे कमेंट करते हो वो मैं रीड भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ तो बोलना बोल लो, कम से कम मैं तुम्हें देखते रहूँ, ठीक है, ईशानी, पता है अच्छी बात क्या होती है, 100 में से 90 तो बनते हैं फेक आईडीज, एकदम फेक आईडी होते हैं 90, बाकी जो 10 जने होते हैं ना वो इतने बड़े भट्टू होते हैं पूछो मत, उन्हें कुछ ऊपर नीचे कुछ भी पता होता है, बस उन्हें जो होता ना अंधे भगत, चलो हमें बोलना है, हमें उनको सब कुछ पता है कि सच क्या है, स्टिल उनको बोलना है, तो बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल ली, लेकिन आई एम ग्लैड आपने ये अपना टाइम निकाला ईशानी, हमारी लाइफ पे आए, हमारी लाइफ पे आए, स्पेशली कमेंट किया, माय गॉड कितने वेले हैं, नहीं वेले नहीं पागल, बहुत काम, उनका काम ही है ना, उनकी लाइफ में उनका काम ही नहीं है, अच्छा काम क्या होता है कि उनके मॉम डैड का पैसा जो है उसको वेस्ट करना, अच्छा, क्योंकि ये ना तो पढ़ते हैं ना लिखते हैं, ठीक है, माँ बाप का पैसा वेस्ट करते हैं, लोगों के लाइफ पे जाते हैं, गन बोलते हैं, और हम बहुत कूल हैं, तुम लोग कूल नहीं हो, तुम लोग नामा कूल है, ठीक है, ईशानी जी आपको बहुत दे दिया मैंने अटेंशन, हैप्पी आपका जो आपके आपके जो वो है ना मेंटर जो भी है वो आपको नहीं देंगे अटेंशन, आप इस लाइफ पे नहीं हो, लेकिन हम आपको देंगे क्योंकि आप लोग चाहते हो कि हम आपको दे टेंशन, हमने दे दिया, हैप्पी ईशानी जी, हैप्पी नाउ गेट अ लाइफ, वंदना थैंक यू सो मच, अच्छे कमेंट पढ़ लो यार, वंदना थैंक यू यार, यार एक्चुअली मेरे सामने आ गया था कमेंट इसने मुझे से, और फिर बिकॉज यार सी क्या नाम है उसका, वंदना, हम अगर हमारी कोई पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हमारे बारे में लिख रहे हैं, उस पर भी आगे लोगों को फालतू लिख रहा है तो अजीब लगता है, शो के बारे में हमने कुछ नहीं करा अपडेट, हम हमारे बारे में कर रहे हैं तो वहां भी लिख रहे हैं, वो हमारी अपनी लाइफ है, हमारी लाइफ पे भी करना कमेंट करना है, डर गई होगी बेचारी ईशानी, लव यू बोथ माय फेवरेट कपल इन स्प्लिट्सविला, ट्विंकल थैंक यू, हाय दिवारी, Splitsvilla guys, thank you so much. Thank you.
गया बहुत इग्नोर करा है बिकॉज मुझे इतने डीएम आते हैं उनको मैं देखता भी नहीं हूँ कुछ. अंजलि पांडे आई अंजलि पांडे गीता शेट्टी व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान. नेक्स्ट प्लान मेरा बहुत सिंपल सा यार एक एक्टर हूँ तो मूवीज करनी है और एड्स करने हैं क्योंकि एक एड मैंने भी शूट करा है लेटली तो एड बहुत ज्यादा आने वाला है आपके सामने. गरिमा भाटिया राहुल गुजराल हाय राहुल राहुल बोले राहुल राहुल तो मैं उस पर लेता लाइफ पे जाऊँ. राहुल कहाँ पर है लेकिन राहुल कहाँ पर है राहुल कहाँ पर है राहुल को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी या वहीं से ले लो ना वहीं से ना रुको ना राहुल कहाँ है मेरा गाइस मैं तुमको एक बात बोलता हूँ. जो पांच जने शो से बाहर हुए थे उसके अंदर दो लोगों का मुझे बहुत दुख था ठीक है. उनमें से एक था मेरा भाई प्रत्यक्ष और दूसरा राहुल और मैं बात बहुत दिल से बोलता हूँ अगर ये दोनों शो में रहते ना तो शो का अलग एक होता लेवल होता ठीक है. बहुत ही अच्छा जाता शो फिर ये इतने झगड़े होते ही नहीं ये दोनों इतने प्यारे लोग थे राहुल भी प्रैच भी कि शो के अंदर इतनी फाइट्स नहीं होती. फिर हम लोग हंसते खेलते उसमें रहते जोन में रहते तो शुरुआत में जो अच्छे लोग थे वो तो भैया डब हो चुके थे क्या कर सकते हैं. मैं भी हो चुकी हूँ एग्जैक्टली exactly, अच्छे लोग मैं भी हो जाऊंगा बस खुश हैप्पी लव फ्रॉम महाराष्ट्र थैंक यू लव फ्रॉम थैंक यू सो मच. नाम क्या इनका लिया अपित तलवार राइट अपित तलवार आई थिंक Bye.